करोड़ों के निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन ठेकेदारों के भरोसे बन रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग को इनकी खबर तक नहीं, न ही स्थगन का चयन हुआ है। ठेकेदार अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां निर्माण कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने कई जिलों में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन बनाने का टेंडर निकाला। इसमें सिंगरौली के भी कई ब्लॉक शामिल हैं। कई जगह तो निर्माण शुरू भी हो गया, लेकिन इस सब की जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को नहीं, नहीं कोई विभागीय इंजीनियर लगाया गया है। सारा काम ठेकेदारों की मनमर्जी से चल रहा है। वो जहाँ चाहे वहाँ निर्माण कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में है, पहाड़ पे है, जहाँ शासकीय जमीन मिली वहाँ पे बने हैं। अगर इन्हीं को बस्ती के अंदर तो थोड़ा सा जनता को उसका सुविधा आता है, और एकांत में बनने के कारण क्या है कि हमारे कर्मचारी भी नहीं जा पाते। जहाँ सरकारी जमीन मिली वहीं बिना सोचे समझे निर्माण कर दिया। इस बारे में जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारी खुद हैरान हैं। उनके मुताबिक एक इंजीनियर हैं जो रीवा में बैठते हैं, कभी कभार चक्कर लगा जाते हैं। तो तीनों ब्लॉकों में अलग अलग हैं। एक जगह 10 बंदे हैं बैरन में, एक जगह 15 बंदे हैं, एक जगह 17 बंदे हैं कुल। इस तरह से करीब 45 बंदे हैं, और उनका टेंडर जो है डायरेक्ट भोपाल से हुआ है, और उसमें तीनों जगह के अलग अलग ठेकेदारों ने लिए हैं और वो अपना बना रहे हैं, और वो हमसे आके मिले भी नहीं। सिंगरौली में ही 45 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। हर केंद्र की लागत 20 लाख है। इस हिसाब से 9 करोड़ का काम होना है, लेकिन इसमें खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जगह का चयन भी सही नहीं। विपक्ष का कहना है कि कई भवन तो कागजों पर ही पूरे कर दिए जाएंगे। ऐसी है नहीं, अभी इंजीनियर यहाँ है नहीं, कोई इनका प्लानर यहाँ है नहीं, इसलिए बिल्डिंग बनेगी कहाँ? पैसा आएगा कागज में, आएगा कागज में बिल्डिंग, कागज में खाली है। इस मामले में जब कलेक्टर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर साफ है कि ये भवन जनता और स्वास्थ्य विभाग की सहूलियत के बजाय ठेकेदारों की सहूलत के लिए बनते नजर आ रहे हैं। समय के लिए सिंगरौली से शकील अहमद सिद्दीकी।